हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ। सो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल अमेजिंग सी रेमडी, जो कि मेरी रेमडी हमेशा ही बहुत ही यूज़फुल होती है। सो आज हम लेकर आए हैं ओपन पोर्स की प्रॉब्लम्स के लिए रेमडी। ओपन पोर्स जो है वो एक नॉर्मली हर किसी को हो सकता है, लाइक कोई 16 की एज में भी हो सकता है, या हमें 15-20 की एज में भी हो सकता है। ये एज से इसका कोई भी मैटर नहीं है कि किसी को कभी हो सकता है ओपन पोर्स। ओपन पोर्स क्यों होते हैं, इसके क्या रीज़न है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ऐसे समझाऊँ, अगर हम कोई बैलून लेंगे और उसमें एयर हम उसमें भरेंगे एंड देन उससे एयर को निकाल देंगे, तो डेफिनेटली वो बैलून जो है वो पहले से लार्ज हो जाएगा। इसी तरह हमारे ओपन पोर्स भी होते हैं, जब हम इसी तरह उसको कंटिन्यू करेंगे, 2-3 बार इस प्रोसेस को हम दोहराएंगे, तो वो जो हमारे बैलून है वो पहले से लार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे ओपन पोर्स होते हैं, जब उसमें ऑयल डर्ट सब इंक्रीज़ होने लग जाता है, तो उसका जो साइज़ है वो लार्ज हो जाता है, वो विजिबल होने लगता है लार्ज होके। सो इस प्रॉब्लम से हम सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, इसके लिए ही आज हम एक अमेजिंग सी रेमेडी लेकर आई हूँ, जो इजी भी है और अमेजिंग भी है और यूज़फुल भी है। और बेनिफिट्स तो इसके बहुत सारे हैं, इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये होम मेड रेमेडी है। कुछ ही लोग होंगे जिन्हें होम मेड रेमेडी से प्रॉब्लम होगी, मतलब कुछ लोगों को नेचुरल इंग्रेडिएंट से भी बहुत ज़्यादा, मतलब अगर इतनी सेंसिटिव अगर आपकी स्किन है, तो मैं बोलती हूँ ऑलवेज अपने वीडियो में कि आप पैच टेस्ट लें, कोई भी फेस मास्क कुछ भी अप्लाई करने से पहले पैच टेस्ट लें, ओके। और इसमें जो हम इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं तो वो कम्प्लीटली सेफ है, बिकॉज हम इसमें यूज़ करने वाले हैं एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के बारे में गुड गुड जो इसके बेनिफिट्स हैं उसके बारे में तो आप सभी को पता होगा कि हमारे स्कार्स को भी फेड करता है, स्किन पर हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करता है, स्किन में हमारे डार्क सर्कल्स हों या फिर पिगमेंटेशन हो, ये किसी चीज़ पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। रीज़न इसका वो है कि इसमें बहुत गुड क्वालिटीज़ होती है हमारे हेयर्स के लिए भी, हमारे स्किन के लिए भी। सो ये हमें वर्क कैसे करेगा ओपन पोर्स को श्रिंक करने के लिए, सो मैं बता दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फुल फेस को क्लीन कर लेना है। क्लीन फेस पे ही हमें ये रेमेडी अप्लाई करनी है, हमें इसमें कुछ बनाना भी नहीं है, ये इतनी ईजी है कि हमें डायरेक्टली अप्लाई करना है, कुछ और प्रोसेस नहीं है इसका। ठीक है, जस्ट हमें एलोवेरा जेल लेना है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ बायो ऑर्गेनिक, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपको एलोवेरा जेल लेना है, थोड़े से अमाउंट में ही आप लेंगे। ठीक है, मैं आप अपने फेस के अकॉर्डिंग देख लेंगे, बट थोड़ा ही अमाउंट लगेगा, ज़्यादा अमाउंट नहीं लगेगा, बिकॉज सो इसको हमें डैप डैप करके लगाना है और फेस पे सर्कुलर मोशन में हमें मसाज करते हुए इसको अप्लाई करना है, और 2-3 मिनट तक हमें इसे अच्छे से मसाज करनी है अपने फेस पे, ओवरऑल पूरे फेस पे, क्लीन फेस पे हमें इसे मसाज करते हुए लगा लेना है। और मसाज करने के बाद हम जो 3-4 मिनट इसको मसाज करेंगे, उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे 10-15 मिनट्स के लिए, ओके। 10-15 मिनट्स के बाद हम इसको वॉश कर लेंगे एकदम ही चिल्ड वाटर से। ठीक है, चाहे आपके टैप वाटर में बहुत चिल्ड वाटर पानी आ रहा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपके पास आप फ्रीज में रखते कोई बॉटल उसको यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ठंडा ही पानी लेना है, बिकॉज ठंडा पानी जब हम यूज़ करेंगे ना इस रेमेडी के बाद, तो वो हमारे पोर्स को टाइटन भी करेगा, वो हमारे पोर्स के विजिबिलिटी को भी लाइट करेगा और बहुत यूज़फुल होता है। बिकॉज अगर आपको बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं तो आप, मैं बोलूँगी दिन में 2-3 बार आपको डेफिनेटली अपने फेस को वॉश करना चाहिए कोल्ड वाटर से, इससे हमारी स्किन टाइटनिंग भी होती है, हमारी पोर्स विजिबिलिटी भी कम हो जाती है और काफ़ी हद तक हमें हेल्प मिलता है लार्ज पोर्स से। सो इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद हमारे स्किन के स्कार्स भी फेड हो जाएंगे, हमारे स्किन में अच्छा एक हेल्दी ग्लो भी आ जाएगा, हमारे पोर्स भी सिंक होंगे, और भी बहुत गुड गुड क्वालिटीज़ हैं, तो उसकी वजह से और भी अच्छी स्किन की हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि हम बात करें एलोवेरा ना, हमारे स्किन को मॉइस्चराइजिंग के लिए भी, नेचुरल मॉइस्चराइजर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे स्किन को हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज भी करता है, हेल्दी ग्लो भी प्रोवाइड करता है, स्कार्स को भी फ्रेड करता है, हमारे पोर्स को भी श्रिंक करने का काम करता है, ये हमारे पोर्स लार्ज पोर्स को भी विजिबिलिटी को भी कम कर देता है। और ये जो ठंडा पानी हम यूज़ करेंगे इसके बाद, तो ये तो और भी अच्छा हो जाएगा हमारी स्किन, ये इसको वॉश करते करते हमारी स्किन टाइटन अप भी होगी, हमारे लार्ज पोर्स की जो विजिबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। और इस रेमेडी को आप रेगुलर डेली अगर कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके लार्ज पोर्स काफ़ी हद तक फेड हो जाएंगे और या मैं बोल दूँ रिमूव हो जाएंगे। इतना इफेक्टिव रेमेडी है और इस रेमेडी के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज हमने इसमें एलोवेरा जेल के लिए यूज़ किया है, जो कि बहुत ही यूज़फुल होता है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्किन हेयर के लिए। सो ये इतना यूज़फुल रेमेडी है, अगर आप इसको वन टाइम ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आप इस रेमेडी से बहुत प्यार हो जाएगा। अगर आपको इस रेमेडी को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।